आगे आगे कथित। या अब कथित इज बैक। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ आ रही है। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। सो अंशुल वो क्लियर हो गया ना, दैट टैबलो आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑटोमेटिकली। ओके अंशुल हैज नॉट ज्वाइन। ओके, नहीं ज्वाइन तो किया बट माइक्रोफोन इज नॉट ऑन। ये बताओ, जैसे आपने टेस्ट कॉलम बनाया उससे कैलकुलेटेड फील्ड से, तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट लास्ट में बनता है या ये तो मिडल में ही बन गया ऑर्डर आईडी के बाद? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सपोज आई क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड हेयर, ठीक है, कस्टमर आईडी के पास। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एंड मैं पहले एक्सेस दे दूँ रिकॉर्ड करने का। अच्छा नहीं है, जी, मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड, मैं लैपटॉप से रिज्वाइन कर लेता हूँ। ओके मेरे को बता देना फिर। ओके, वी आर क्रिएटिंग वन मोर कैलकुलेशन। सो रमेश का क्वेश्चन है कि इसने यहीं पर क्यों बनाई फील्ड, मे बी और कहीं पे या लास्ट में क्यों नहीं। सो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा है कस्टमर आईडी पे, यहाँ से मैं कैलकुलेटर फील्ड बना रहा हूँ। सो लेट्स क्रिएट टेस्ट वन, एंड अगर मुझे सेम जो मे बी कैलकुलेटेड फील्ड है उसकी वैल्यू जो है मेरे को सेम चाहिए, जस्ट लाइक कस्टमर आईडी, सो आई कैन राइट द कॉलम नेम जो ऑलरेडी मेरे पास है। सपोज मेरे को चाहिए सेगमेंट, सो आई कैन राइट सेगमेंट। सो यू कैन सी कि इसने फाइंड कर लिया सेगमेंट, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ओके। नाउ रमेश सी कि जहां पर हमने क्लिक करा था उससे नेक्स्ट कॉलम में ही ऐड करता है वो स्पेसिफिक कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। बट लेटर ऑन जब हम शीट में जाएंगे काम करने के लिए, वहां पर क्या होगा कि वंस वी क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, वो सबसे एंड में अपेंड होती जाएगी, बिल्कुल डेटा के एंड में, ठीक है। ओके, फॉर नाउ वन मोर थिंग, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हम नंबर डिफाइन करते हैं तो विदाउट कोट्स डिफाइन करते हैं, एंड कैरेक्टर के लिए हमें कोट्स डिफाइन करने तो पड़ते ये हैं। एक बार एक्सेप्ट कर लेते, लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कनेक्टिंग दिखा रहा है बस। क्या एक्सेप्ट करना है? अच्छा कुछ अलाउ एक्सेप्ट रिकॉर्ड तो करना कर दिया। होगा? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करनी, ऑटोमेटिक कर रखा है मैंने, हो जाएगा अभी वो कनेक्ट। मैंने रिकॉर्ड का ऑप्शन दे दिया, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो वन मोर थिंग टू नोट इज कि जितने भी नंबर्स होंगे दैट विल बी अलाइन टू द राइट, एज यू कैन बी सीन हियर इन द रो आईडी, कि जो भी नंबर फील्ड होगी उसके उसके डेटा पॉइंट्स होंगे वो हमेशा राइट में अलाइन होंगे, एंड जो स्ट्रिंग होगा उसके हमेशा लेफ्ट में होंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर वे टू आइडेंटिफाई कि इज दिस अ न्यूमेरिक डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप या फिर इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। आई होप दैट इज क्लियर। लेट मी रिमूव दीज फील्ड सिंस वी डोंट रिक्वायर दीज, जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, क्लिक ऑन डिलीट एंड दोज आर गॉन। लेट्स सी सम मोर ऑप्शन। सो दीज आर दी ऑप्शन विच कम्स अंडर स्ट्रिंग डेटा टाइप। लेट्स गो अंडर डेट डेटा टाइप। सो ऑप्शन हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज यू कैनॉट स्प्लिट द डेट सिंस इट्स नॉट अ यू कैन से स्ट्रिंग फॉर्मेट, दैट्स वाई यू कैन नॉट स्प्लिट द डेट्स। बट लेटर ऑन आई विल बी शोइंग यू लाइक यू कैन ऑल्सो डू सो बाई कन्वर्टिंग द डेटा टाइप फ्रॉम डेट टू स्ट्रिंग। फॉर नाउ वी कैनॉट डू दैट, एंड दीज ऑप्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। लेट्स चेक द ऑप्शन दैट आर देयर फॉर नंबर डेटा टाइप। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज क्रिएट बिन्स। अगेन दिस दिस टॉपिक विल बी ऑल्सो कवर्ड लेटर। सो क्रिएटेड क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड ग्रुप बिन्स, दीज आर पेंडिंग, बट दीज आर द बेसिक ऑप्शन दैट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ। नाउ अगर आपने यहाँ पे कुछ एलियासिस दिए हैं शिप मोड में एंड यू वॉन्ट टू क्लिक ऑन शो एलियासिस, देन दैट विल शो एलियासिस, अदरवाइज इट मे नॉट शो। यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन लेटर। एंड नाउ सॉर्टिंग द डेटा, ऑफकोर्स इफ यू हैव द वेरी बिग डेटा एंड यू वॉन्ट टू सॉर्ट इट, दैट कैन बी वेरी कम्बरसम, एंड फॉर दैट यू शुड यूज सैम्पल डेटा, नॉट द होल डेटा। दैट्स वाई हैव जस्ट टेकन 200 रोज एंड मे बी आई कैन रिड्यूस इट टू 100 रोज। नाउ टू सॉर्ट द डेटा, यू वट यू कैन डू इज गो टू दीज ऑप्शन सॉर्ट फील्ड एंड क्लिक ऑन मॉडिफाइड। वट इज मॉडिफाइड, लाइक इफ यू हैव डन एनी चेंजेस इन एनी ऑफ द फील्ड, द मॉडिफाइड चेंजेस विल बी शोड इन द
upper section and then in the lower section as per the modified changes. So if I have done the, any changes very recently, that will be shown onto the top, and as per the hierarchy, the last changes will be second shown on the second row. Similarly, we have other options like data source order. In the source data, like in the Excel file, the order that was there, in that order only, the data will be displayed. And someone is not on mute. Let me mute. Okay. So that data will be shown as per the order at as it was in data source, which is Excel file. So this is this option. If I want to see the data source order, click on this and the data will be sorted as per the Excel file order. Other options are A to Z. Click on A to Z. So A to Z means your column names will be sorted A to Z. So you can see C has come to the first and later on up to like S is coming at the last sub. And then Z to A. Then S will come to the first and category will to the last. Then A to Z per table. And maybe you can explore these options later. But this is the sorting has been done as per the column names. But that I don't want that. I want to sort the data as per the column values. So how to do that? Suppose I want to sort it by order date. Go to this option, which is sort. You can see this option. Click on this. You can see data has been sorted as per the date. So it is in ascending order right now. That's why you can see the ladder here. Just click on it again. It has now sorted to the descending order. Click on it again. So it will come to the normal form in which it was sort fetched from the data source. Is this sorting option clear? Because this option is there in all the fields. Kashish, I have two doubts. Sorry to interrupt. Kashish, the first doubt is like when we used to take this whole data from the Excel to the Tableau, so the data come exactly in the same way as in the Tableau. Am I right? Yes. Okay. In the same order with the same column. Like if the ship date is in the third column and the customer name on the fifth column, so it's come in the same way in the Tableau. Yes. Okay. And the second doubt, you have said that we are only taking 100 values. So why we have taken only 100 values over here? Because if I take 10,000 values, I'm taking it right now, or maybe 10 lakhs I have given. So it will, of course, show the data up to 10,000. You can see how much time it is taking to load the data. So every change that you do in this data source tab, suppose I'm maybe... So whatever changes, suppose I give the aliases to this field ship mode, and then maybe I write first, then click OK. The time taken to process this data will be more than displaying the 100 records. Okay. So this is just the display of the data in the data source. But if I go to this sheet tab where we create the visualizations, so it is not like if I checked 100 records here that only 100 records will be taken there. It is not like that. This is just the preview data tab. So here, if I write 100, it will just show 100 records. And that is just for my view, like how the data is looking on Tableau. That's all. But if I want to use complete data, that will not be affected if I go to sheet tab. Here, we will be using complete data. We are taking this 100 rows just to take a sample of that. Yes. Just to view the data, how it is looking. How it is coming from the servers or maybe Excel file. Because hota kya hai ki hamesha you don't have access to servers all the time. Suppose the data is residing in SQL Server or Oracle, you don't have to log in there and see ki how data is looking. You have to just connect to that server and just take the preview of the data, how the data is looking. So that's why we use this data source tab. And of course, to process... Jo data hai, wo, I think the myth toh nahi hota na. I think jise hum... No. Like, mera jo, why this doubt is coming in my mind, I just want to know. Let's say an example, koi certain jaise segment hai. In segment mein, they are a corporate and they are like, they are five distinct values, okay? So, agar mujhe five distinct values ko dekhna hai, although main upar se bhi search kar sakta hun, but if there is a certain value which is on the row 7,757. हाँ. But अगर मैंने सिर्फ 100 ही रोज लिए हैं तो वो मेरी मिस हो जाएगी मतलब मेरा राइट वो तो डेफिनेटली होगा
दैट्स व्हाट मतलब आई वांट टू से कि मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है जो पूरे ऑर्डर आईडी में सिर्फ एक ही बार जनरेट हुई हो और उसका एक ही बार ही स्टैम्प मार्क हुआ हो, तो वो आई थिंक, और वो 10,000 से ऊपर अबव हो या किसी भी पोजीशन पे हो, तो अगर मैं सैंपल कम लूंगा तो मिस हो जाएगा. एम आई राइट? मतलब मैं ठीक डेफिनेटली डेफिनेटली दैट विल बी मिस बिकॉज दीज आर जस्ट टॉप 100 रोस. इफ यू वांट टू कंपेयर I can do that. So up from row ID 1 to 7, you can see ki jo ye dates and order ID, those are same. And if I check row number 8, 958 is ending. Go to the data source. You can see at row number 8, it is that ID only. Let me zoom it. So it exactly copy the data from the data source. It doesn't change anything. उनका ऑर्डर भी सेम रहेगा, उनकी वैल्यूज भी सेम रहेंगी, एवरीथिंग, एंड इट डजंट मिस एनी डेटा व्हाइल लोडिंग द डेटा फ्रॉम एनी सोर्स टू टैबलो. ओके, गॉट इट, थैंक यू. यू कैन मे बी चेक दिस एट योर एंड, एंड मे बी अगर कुछ क्वेश्चन है तो देन वी कैन टेक दैट लेटर. श्योर, ओके. एनी अदर क्वेश्चंस? चंचल भाई, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? कोई रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं, मुझे तो शायद पता ही नहीं. मैं Zoom यूज किया नहीं है अभी तक, तो मुझे तो पता ही नहीं. फर्स्ट टाइम Zoom नहीं, वो रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा. अंशुल आई थिंक उस पे फोन पे है. हां, मैं फोन पे हूं, तो फोन में नहीं होगा. फोन पे ऑफर नहीं आएगा. हां, मैं कर रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग. अच्छा, कर रहे हो आप? हां, रिकॉर्डिंग चल रही है, सो आई विल शेयर. ठीक है, गूगल ड्राइव और किसी पर शेयर करते हैं, क्योंकि क्या है, मैंने जैसे ही दूसरी बार लॉगिन करा है ना, तो पहली वाली शायद फेल हो गई मेरी कन्वर्ट करना. ओके, मेरी फर्स्ट वाली ये हो रही है कन्वर्ट. ओके, आई विल शेयर दैट. ठीक, आई थिंक वी आर क्लियर टिल नाउ. नाउ द अदर ऑप्शंस आर, अवंशुल जो आपका क्वेश्चन था कि मेरे को स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहो कि मे बी in this case we have row id, but maybe agar kahin pe row id nahi hai, so you cannot go to that specific value. But right now I have an option to go to this specific value. Kaise? Go to that add function, maybe a button for filters. But agar suppose mere paas ye row id nahi hai, that cannot be done. Fir aapko kya chahiye hoga? Specific individual, you can say primary key chahiye hogi mujhe, jiske through aap specific row de sakte ho. But is case mein main dikha deta hu ki kaise jayenge hum specific row pe. Go to add, click on add. So this is a filter that we are adding. Filters are very, very important in Tableau. I will be teaching you like the hierarchy of filters that are there, because there are around 7 to 8 types of filter that are there in Tableau. And just note this, that this filter that we are going to apply is known as data source filter, because we are applying these filters to the data source tab. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर दैट वी आर डिस्कसिंग, व्हिच इज नोन एज डेटा सोर्स फिल्टर, सिंस वी आर अप्लाइंग इट टू डेटा सोर्स टैब. ओके, लेट्स अप्लाई द फिल्टर ऑन रो आईडी. क्लिक ऑन ओके, देन इट विल टेक सम टाइम बिकॉज देर आर 10,000 यूनिक वैल्यूज फॉर इट. ओके, इट हैज डन, एंड आई कैन सिलेक्ट द वैल्यू दैट आई वॉन्ट टू चूज, एंड दैट ओनली रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड हेयर. But here it is very difficult to go to 7,000 row and select. So we can pass on custom value list. Click on this option. Enter text to add. Click on 1. So it is showing the specific value which contains 1. So I want to maybe fetch 7165 kind of record. So let me write 7165. Click enter. It is giving me that specific row ID. Click OK. And okay, now it will displaying just one record. Okay, it will take to like directly to that value. Yes, definitely. But isme kya hona chahiye? Aapke paas koi aise column hona chahiye jahan par there are different value, sorry, unique values. Okay. So agar yahan pe koi repeated value hogi 7165 ki, those two records will be displayed. Got it. It is same like if I go to Excel and put a filter here, it is perfectly like exactly same. If I go to row ID and type here 7165, Excel is running slower than Tableau. Yeah, actually the data is too large. These are just 10,000 records. Actually,
work is done on millions of records, but yeah, Excel is not used. This is why Excel is not used, because of advanced visualization tool just like Tableau. So if I click on OK, you can see this is the exact row ID which we are displaying on Tableau. Got it. Okay. Okay. So it's similar like Excel. Like it will directly take me to that particular value. Yes, yes. Looking for it. But the only condition that I have mentioned is ki you should have the unique values in that specific column. Okay. Okay. Now we have Tableau. Uh-huh. तो ये टैबलू कस्टमर भाई मतलब बाय डिफॉल्ट कोई अपनी डायरेक्ट वो मतलब बाय डिफॉल्ट कोई रो आईडी या रो नंबर नहीं देता है, जिससे हम मान लो टॉप के 10 या मतलब वो बिल्कुल ये नहीं देता, बट आप क्या कर सकते हो कि वी कैन ऐड अ न्यू फील्ड जहां पे हम फंक्शन लगा सकते हैं, रैंक फंक्शन या इंडेक्स फंक्शन. आई कैन डू दैट, लेट मी शो यू. लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस और मैं उसको करके दिखाता हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा वंस वी हैव एडेड द डेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पर फिल्टर नहीं था, सो वी वर डिस्प्लेइंग कम्प्लीट 10,000 रिकॉर्ड्स और मे बी वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग 100 रिकॉर्ड्स, बट एक्चुअल डेटा जो यूज होगा ना शीट में पहले, इससे पहले, सो दोज विल बी 10,000 रिकॉर्ड्स. ठीक है, बट वंस वी हैव एडेड अ फिल्टर हेयर, अब ये क्या हो रहा है कि हम यूज ही कितनी रोज कर रहे हैं, जस्ट वन रो. अब चाहे यहाँ पे 10,000 में लिख लो, फिल्टर लगा के वन ही रिकॉर्ड आएगा ना. सो ओनली वन रिकॉर्ड विल बी टेकन टू शीट वन एंड आप सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू लाइक फिल्टर्स ऑन द यूनिक वैल्यूज. हम क्या करते हैं, जो फिल्टर्स लगाते हैं, लेट मी गो एंड एडिट, वी कैन रिमूव दिस फिल्टर, क्लियर लिस्ट, गो टू select from and maybe we can delete this, click on add. Suppose hum aise fields bhi laga sakte hain jisme multiple values ho same type ki, suppose segment, click ok. ab yahan par mere paas teen hi categories hain, just click on consumer category and click ok. ab isme kya hoga, sirf consumer category ka jo data hoga wahi hume display hoga. so ab isme fayda kya hai hame, if I just want to preview or maybe create the visualizations just on the consumer data, मैं यहाँ पर data source tab में ही filter लगा के क्या करूँगा, sheet 1 में जाऊँगा and यहाँ पर मेरे को सारे data available होगा, सिर्फ consumer data का होगा. So this is the benefit of using data source filters. There is one more benefit which is there. Suppose अगर यहाँ पर ये filter नहीं लगा हुआ consumer data का, so यहाँ पर 10,000 records display होंगे, right? But अभी कितने हो रहे हैं, 5186. So जब हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उस केस में क्या होता है, इफ आई एम टेकिंग होल डेटा, मुझे चाहे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें से कई डेटा की, बट स्टिल यहाँ पर हमारे पास कितनी कैटेगरी थी, 3. बट सपोज आई जस्ट वॉन्ट द डेटा जिसमें मेरे को विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, आई जस्ट वॉन्ट कि 2 कैटेगरीज का डेटा आना चाहिए. बट मैं अगर सारा डेटा ले गया यहाँ पर शीट में विदाउट प्लेसिंग एनी फिल्टर ऑन द डेटा सोर्स टैब, उस केस में क्या होगा कि अगर मैं कुछ भी चीज यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पर, कुछ भी लाइक एनीथिंग दैट आई एम डूइंग ऑन द विजुअलाइजेशन, वो पूरे 1,000,000 रिकॉर्ड पे चलेगा प्रोसेसिंग एंड इट विल बी वेरी स्लोअर. बट अगर मुझे पता है कि मैंने 2 ही कैटेगरीज पे काम करना है, सो आई विल फिल्टर आउट इन द डेटा सोर्स टैब इटसेल्फ, ताकि उसके बाद मैं 10 शीट्स पे ऐड करूँ ना, तो वो उन्हीं 2 कैटेगरीज में डेटा लाएगा. सो थर्ड कैटेगरी यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी एक तरह से डेटा सोर्स टैब में, या आगे कहीं पर भी यूज नहीं होगी. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेटा सोर्स फिल्टर्स. इज इट क्लियर? Yeah, it is clear. So it totally depends upon the parameters on which we are making the visualization. Yes, yes. It completely depends ki aapke requirements kya hain. Okay. Theek, clear. Okay. So let me just remove this filter since we will be playing with complete data. Now, the one thing that I was explaining is कि यहाँ पर हम खुद से भी ऐसे कॉलम ऐड कर सकते हैं जस्ट यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड. अगेन कैलकुलेटेड फील्ड इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर. सपोज आई वांट टू क्रिएट अ मे बी आईडी एंड वी कैन राइट इंडेक्स एंड क्लिक ओके. ओके, लेट मी सी. Okay.
Kashish, these are functions which we are using, rank, index. Yes, yes, these are functions that we're going to use. And so there's a like particular classification of every functions, like for string, for numeric, or for date. Or yes, for, there are around 7 categories, I think, which are there. And we'll be discussing so many functions once we start working on it. And here we have to pass on expression, which is not possible in this case. Kashish, can we do one thing, like can we make a column which can copy the value of the pre-existing column? That is very easy. You can just write, if I want to create a new column by name of ID, then just write row ID. This is done. Click OK. And you can see same row IDs are here now. If you just want to create a new copy of a variable, you can easily do that. And if you want to edit, if you write +1, so ab kya hoga ki first row mein yahan pe 1 dikhayega, yahan pe 2 dikhayega. So you can perform such calculations as well. Okay, jaise aapne last time bataya tha na, jo ek ship mode wala tha jisme humne standard class ko kuch define kiya tha, and first class tha, and second class, and third class tha. Those were aliases. Well, that's what I'm saying. Ki if I want to make this aliases on our next column, like say if this is the ship mode, and I want to make another column that is ship mode 1 or ship underscore mode. Uh-huh. But मैं चाहता हूँ कि जो standard classes है वहाँ पे मेरे को सिर्फ standard class नहीं दिखे और वहाँ पे मुझे standard class की value ST दिखे. And for this first class and second class, जो similar आपने किया था, but मैं चाहता हूँ मुझे अलग column में. अलग column में. So you can do is create calculated field and do ship mode 1 and just keep it as ship mode and click OK. अब यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम ऐड हो गया, एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन एलियासेस एंड चेंज देयर वैल्यूज. इसका एक और तरीका हो सकता है, विच इज अगेन यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट राइट हियर. ओके, बट डेफिनेटली कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू हमारा ये काम बहुत इजी हो जाता है. ओके, सो वी कैन, आई कैन जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट. वी कैन क्रिएट, we can create a new calculated field, and maybe we can name it anything, and we can write if ship mode 1 is equal to standard class, then what we want to write, we can write it like std, and here we can end this calculation is valid, so this is fine. Click on OK. So this will not work in, okay, I will use same calculation in the sheets, but here it is not working. That is fine, because here we can give aliases. Okay, let me just show you. If I take ship mode here, and take HY, ship mode 1 is equal to standard class, then std on dependency. Okay, I have to place it to text. This should work, yaar. Not sure why it is not working. Maybe we will definitely take it's these okay, examples okay. Later. Like, yeah. Like, I am asking this, like, my question is like that. Like for example, हम कोई भी presentation create कर रहे हैं, हम कोई भी basically visualization tool बना रहे हैं. So like my example is this, because I have asked this question in an interview, that's why I'm asking this. Tableau का ही था, so they've asked me कि like you get the data of some credit card, okay, of banking data, और उसमें basically classes हैं. Okay. You want to show the report, okay, but they want कि जो उसके अंदर की values हैं, वो वैसी ना दिखे जैसा आप चाहते हैं.
ओके फॉर द एग्जांपल कि मेरे पास तीन क्लासेस हैं, गोल्ड क्लास, प्लेटिनम क्लास और एक और है टाइटेनियम क्लास. तो मेरे SQL सर्वर से डेटा आया गोल्ड, प्लेटिनम एंड टाइटेनियम. बट वी डोंट वॉन्ट टू शो द कस्टमर और द क्लाइंट दैट ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है, ये है. उसको टायर में दिखाना है, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री. Okay. तो जब वो विजुअलाइजेशन क्लिक, जब वो बेसिकली जो विजुअलाइजेशन आए, तो वो जब उस पर होवर करे तो उसमें लिखा है टायर वन, ना कि गोल्ड लिखा है. मतलब यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस आई गॉट दैट. तो हाँ, लेकिन जब आपका जो टैब्लू के अंदर डेटा है वो शो करे गोल्ड, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम है, लेकिन जब वो विजुअलाइजेशन पे क्लाइंट क्लिक करे तो उसको टायर वन, टायर टू, टायर थ्री दिखाई दे. तो आई गिव द आंसर कि मैं उसका एक बेसिकली एक एडिशनल एक कॉलम क्रिएट करूंगा. मतलब मुझे इतना आता नहीं था टैब्लू, सो मतलब मैंने ऐसा बोला उसे कि माइट बी वो मेरा रॉन्ग था, मुझे पता है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू. ओके, ये हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दैट कैन बी डन इजीली. ओके, नाउ इट इज वर्किंग. वहां पर मैंने क्या करा था कि मैंने डेटा सोर्स में कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी, बट दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कि अब आप शिप मोड की जगह कैलकुलेशन वन यूज कर सकते हो कि आई कैन एडिट दिस. So this is the answer of your question. कि जहाँ पर भी ship mode standard class है, that will be shown as standard. And similarly, we can use elif ship mode. Ship mode one is equal to some other class, maybe second class. Then second. S2. Yeah, maybe anything. Click on OK. Now anything. You can see it has been changed. अब आप क्या कर सकते हो कि इसको हटा दो. Now इसका नाम आप change कर सकते हो. Right click and format. And we can definitely label it later. I will teach you how to do that. So बहुत कुछ करेंगे. मतलब this was like basic question जो उन्होंने पूछा. That is fine. क्योंकि इतना तो expect करते हैं लोग. So definitely we are going to create very good visualizations here. And बहुत सारे हमारे पास charts and graphs available हैं Tableau में. So don't worry, बहुत कुछ आएगा अभी तो आगे. These are just the basics. And of course, मैं इस पे जानना नहीं चाहता calculation field में, to be honest, because it's a very vast field. So we can later learn it out by example और धीरे-धीरे eventually आगे-आगे बढ़े. अभी देख के क्या लगेगा? This is just like कुछ भी नहीं है. तो ये fields हैं, ये सारे options हैं. But actually, once we start building it, ये बहुत बड़ा tool है. Okay. ठीक है. So I think that's all for today. Data source में मेरा एक topic pending है, which is live and extract. This is very important topic. So इसलिए मैं आज जल्दी खत्म नहीं करना चाहता इसको. We will take some time to learn this. क्योंकि interview में पूछा जाता है बहुत. Okay. ठीक है. Any questions for today? हाँ, जैसे कि ये अंशुल पूछ रहे थे यही कॉलम वाला, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो कॉलम है उसको कॉपी कर लिया मतलब नया कॉलम में और फिर उसको LIS नेम दे दिया हमने. बिल्कुल वही, वो तो बेसिक ऑप्शन आपके पास है ही है. बट अगर आप टैबलो डेवलपर हो तो मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ डायनामिक हो. क्रिएट उससे करे, वो यही चाह रहा हूं मैं, क्रिएट फील्ड से करे. उसमें पता क्या दिक्कत है कि अगर कल को एक नया एलियास आ गया ना, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खुद वापस जाके फिर से एलियास चेंज करना पड़ेगा. बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मैंने क्या दिया, इफ एल्स कंडीशंस. सो इफ एल्स कंडीशन में जाके यहाँ पर अगर आप लिख दो कि एल्स अगर कोई भी नई वैल्यू आए, so maybe we can write unknown. So जहाँ पर ये values हैं standard class and second class, वहाँ पर तो ये specific values आएंगी, बाकी सब में unknown आएगा. Let's do on okay. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि unknown value आ रही है. ठीक है, and similarly आप बाकी भी चीजें देखोगे तो बहुत कुछ आएगा भी सीखने के लिए. So मैं भी सब कुछ नहीं बता सकता. But I'm just telling कि aliases और इसमें क्या difference है. और वो इजीली हो जाता होगा जो आप बता रहे थे, रो आईडी, अगर रो नंबर देना है, यूनिक इंडेक्स बनाना है तो वो इजीली हो जाता होगा. यस यस, दैट इज, दैट कैन बी डन, वी कैन क्रिएट दैट. सेम तरीके से करते हैं, वो वहां पे डेटा सोर्स टाइप में नहीं चल रहा था, बट हियर इट विल वर्क. अच्छा, बस इंडेक्स फंक्शन लगाना है. ये यू कैन सी 1 2 3. ठीक है, बहुत कुछ करेंगे भाई, डोंट वरी. चलो, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. रिकॉर्डिंग जरा शेयर कर देना, किस पे करोगे, गूगल ड्राइव पे? लेट मी सी, गूगल ड्राइव पे करूंगा मोस्ट प्रोबब्ली. चलो ठीक है. एंड इसका ना ये मेरे को लग रहा है कि जो 14 डेज का बता रहे हैं,
तो मैंने सुना है मतलब ये ना मैक एड्रेस स्टोर कर लेता आजकल, तो दोबारा हम किसी और ईमेल आईडी से भी नहीं कर पाएंगे शायद, अगर ये उस लैपटॉप का मैक एड्रेस ही सेव कर लेता है तो। ओके, मैंने इसका लाइसेंस लिया था, पता है कैसे? दैट देयर इज अ ऑप्शन टू टेक द स्टूडेंट लाइसेंस, अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आईडी है ना जो अभी पढ़ रहा है, यू कैन यूज दैट आईडी। हां हां, संजय भी बता रहा था कुछ आईडी से हो जाता है, एक उसका फ्रेंड ने क्या है, मैंने वही किया हुआ आईडी की होती है। हां, इफ यू गो टू टैबलू साइट, मैंने वही लिया हुआ अभी एक साल का। अच्छा, सो उसमें आपको एक साल का फ्री लाइसेंस मिल जाएगा एंड वन ईयर इज सफिशिएंट टू लर्न। हां फिर तो सही है। गो टू दिस साइट, एंड यू कैन सी यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर गेट अ फ्री लाइसेंस लर्न मोर। इस लिंक पे जाओगे तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे कि कैसे करना है। आपको आईडी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है डेफिनेटली, वो चेक करेंगे एंड देन दे विल रिवर्ट आपको ईमेल पे ही। मेरे को तो 10 मिनट में उन्होंने भेज दिया था लाइसेंस की एंड मेरा एक्टिवेट हो गया था वो। एक बार लिंक शेयर कर देना ग्रुप में प्लीज, कॉपी पेस्ट कर देना प्लीज। हाँ श्योर। अच्छा तो हमें मतलब स्कैन कॉपी भेजनी है स्टूडेंट आईडी की और फिर वो मतलब सब कर लेंगे। राइट राइट, इट कैन टेक सम टाइम बट मेरे टाइम पे 10 मिनट ही लगे थे। अब यहाँ पर आप देखोगे ना ऑप्शंस की, यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड कंट्री रीजन सिलेक्ट करना है, इट इज लोडिंग। हाँ, कंट्री रीजन देन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड स्कूल इंफॉर्मेशन। स्कूल में यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे या मे बी कुछ भी सिलेक्ट करोगे, देन इन द नेक्स्ट पेज वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस में आपको अपलोड करने को कहेगा जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है, देन ओनली यू कैन गेट वन ईयर लाइसेंस अगर वो अप्रूव होता है तो। फिर उसी आईडी और ईमेल से हमें लॉगिन करना होगा? नहीं, कोई आईडी ईमेल नहीं, आप जो सा भी किसी भी सिस्टम पे टैबलेट डाउनलोड करोगे आपको एक ईमेल पे लाइसेंस की आएगी। लाइसेंस की कैसे एक्टिवेट करते हैं, लेट मी टेल यू। गो टू दिस, गो टू हेल्प एंड मैनेज प्रोडक्ट कीज, एंड यहां पर देख रहे हो मेरी की अवेलेबल है एंड दिस आई एम यूजिंग। सो गो एंड यहां पर आपको एक नई की ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी वो कॉलेज स्कूल किसी की भी हो सकती है या कॉलेज वाले? नहीं, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है ना, उन्होंने ये मेंशन नहीं करा। स्कूल भी की भी हो सकती है, कॉलेज भी, कुछ भी। ट्राई कर लो एक बार, आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं तो टीचर का भी चल जाएगा ना, कोई गवर्नमेंट टीचर हो तो अपने एक फ्रेंड की आईडी मंगवा सकता हूं मैं, वो भी चल जाएगा। चलो ठीक है, यही पूछना था क्योंकि ना 14 दिन में तो कुछ होगा नहीं, फिर बार बार वो ही अनइंस्टॉल करते रहो। राइट राइट, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। ओके कशिश, थैंक यू। और गाइस लाइक जिसने भी रिकॉर्डिंग करी है प्लीज गो सेंड कर देना, आई विल शेयर। नो डोंट वरी, कशिश आप ही करते हो। ओके ओके ठीक है, ओके बाय। ओके।